में हमने बनाई है चिकन व्हाइट कढ़ाई, बहुत मजे की बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सहरी में बनाएंगे चिकन व्हाइट कढ़ाई। बहुत कम सालों के साथ बनती है और खाएं तो सारा दिन जलन भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अपने चिकन को फ्राई करते हैं, ऑयल डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे पास हाफ के जी चिकन है और मैंने तकरीबन आधा कप, हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें एक तेज़पत्ता डालेंगे और 3 से 4 हरी काली मिर्चें और साथ हम एक सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। इसको फ्राई करते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगेगी इंशाल्लाह आपको, और इसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल होटल से जो मिलता है या रेस्टोरेंट से जो मिलता है उसके जैसा चिकन व्हाइट कढ़ाई होगी। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसमें अपना चिकन डालते हैं। फ्राई करते हैं और इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून हम इसमें नमक डालते हैं। तकरीबन हम 5 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। 5 मिनट तक हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। फ्राई करते हैं, अदरक लहसुन फ्राई करते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे वो फ्राई किया हुआ हम अपना चिकन डालते हैं। डालेंगे 1 टीस्पून डालेंगे फिर किसी मिर्च। आप चाहें तो इसमें ब्लैक मिर्च काली मिर्च भी डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी प्याली दही। और 1 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे क्योंकि जब हमने चिकन फ्राई किया था तब भी नमक डाला था, अब हम नमक कम डालेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो दही वाली प्याली भी मैंने पानी डाल के डाल दिए। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए ताकि जो हमारी चिकन से कच्ची है वो भी अच्छे से गल जाए। हम इसको डाल देते हैं। मसाले नहीं है, अगर आप शहरी के टाइम भी खाते हैं तो आपको, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है
गर्मी भी खरीदती है, आजकल दो रोजे हो गए हैं, इतनी गर्मी तो नहीं हुई लेकिन फिर भी जलन ना। ये देखें अलहमदुलिल्लाह इतना अच्छा कलर आया है। तो निकाल के एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इसी मसाले में अपना ग्राइंड हुआ प्याज है, ये मैंने दो प्याज इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, फ्राई करते हैं। फ्लेम थोड़ी सी हाई की मैंने। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को चेक करते हैं। देखें नहीं अच्छी तैयार हुई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 100 ml क्रीम। आप इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ले मैंने बहुत हल्की रखी है। आप इसमें धनिया का पाउडर भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने नहीं किया। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 हरी मिर्च और साथ थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। साथ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा चुटकी एक जीरा। अब हम इसको बहुत एक दम से रखेंगे तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हम इसको बहुत एक दम से रखेंगे तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब हम इसको बहुत एक दम से रखेंगे तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चेक करते हैं चूल्हा मैंने बंद कर दिया। ये देखिए जी हमारी चिकन वाइट कढ़ाई बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। हम इसको निकालते हैं। ये जी हमारी फाइनल लुक बहुत मज़े की बनी है, बहुत यम्मी, बहुत मसाले ना होने के बराबर है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।